नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेष राशि वालों, 20 जनवरी 2022 से भगवान का दिया कोई छीन नहीं सकता है। खजाने का मटका फूटने वाला है। 24 घंटों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी समान ग्रह गोचर के आधार पर एवं चंद्र राशि पर आधारित है। इस वीडियो में हम आप सभी को 20 जनवरी 2022 का संपूर्ण राशिफल बताने वाले हैं, तो आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और आश्लेषा नक्षत्र निर्माण हो रहा है। सूर्य अभी मकर राशि में विराजमान है और चंद्रमा कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में संचार करने वाले हैं। तो ऐसे में आने वाले अगले 24 घंटों में आपको क्या क्या शुभ और अशुभ घटनाएं होगी, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानियां बरतनी है, आइए हम पूरी विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु महाराज के जयकारे जरूर लगा दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यह समय आपके लिए फायदा लेकर आया है। समय के साथ महत्वपूर्ण काम आपके पूरे हो जाएंगे। अगर आप प्लान बनाकर काम करेंगे तो बिजनेस में आपको सफलता जरूर मिलेगा। पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मुलाकात आपकी हो सकती है, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके उपरांत यह समय देखिए दोस्त और रिश्तेदारों से भी आपके लिए बहुत ही खुशखबरी लेकर आएगा और कहीं घूमने फिरने का प्लान इस समय आपका बन सकता है। और इस राशि के जो लोग पत्रकार हैं, आज उन्हें कहीं से कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन कहीं से आते हुए पैसे में रुकावटें आ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यह समय और किसी पारिवारिक सदस्य की खास उपलब्धि से घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा और किसी वरिष्ठ व्यक्ति के मार्गदर्शन तथा परामर्श द्वारा आपके सारे काम सुचारू रूप से संपन्न होंगे। इसके उपरांत यह समय संपत्ति संबंधित विवाद किसी की मध्यस्थता से हल करने का आप प्रयास करें। एक दूसरे का आपको अधिक से अधिक सपोर्ट सहायता इस समय मिलने वाला है। इसके उपरांत आपकी सावधानियां को लेकर बात करें तो किसी भी तरह के गैर कानूनी गतिविधियों में अपना रुचि इस समय आप ना लें और दिन की शुरुआत में कुछ परिस्थितियां और रुकावटें आएगी, परंतु दोपहर के बाद परिस्थितियां संभल भी जाएंगे, इसलिए ज़्यादा तनाव लेने से इस समय आपको बचना होगा और अपनी छवि को साफ सुथरा और सेपरेट बनाकर रखना अभी आपके लिए बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत यह समय पुरानी नकारात्मक बातों को ज़्यादा तूल ना दें और ना ही उनका असर अपने संबंधों पर चढ़ने दें, अन्यथा आपके संबंध वह खराब कर सकती हैं। इसके उपरांत आपके और आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपका कोई नज़दीकी संबंध ही आपकी समस्या का कारण बन सकता है। फालतू बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने काम पर ही एकाग्र रहें तो अभी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके उपरांत यह समय कैरियर व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय कार्य क्षेत्र में आप अपने कार्य प्रणाली में जो परिवर्तन किए हैं, आपको उनसे अनुकूल परिणाम भी मिलने वाले हैं। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों बता दें कि कार्य क्षेत्र में उचित व्यस्तता बनी रहेगी और संपर्क सूत्रों द्वारा नए अनुबंध भी इस समय आपको प्राप्त होने वाले हैं। इसके उपरांत यह समय ऑफिस में सहयोगियों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकता है, इसलिए अपना जितना हो सके समय अपने कार्य में ही लगाएं और इधर उधर समय की बर्बादी करने से अभी आप बचने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
इसके उपरांत लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बने रहेंगी और पुरानी नकारात्मक बातें जो थी वह आपकी दूर होंगी और संबंध पुनः जो है वह आपका स्ट्रॉन्ग होगा। इसके उपरांत यह समय युवा वर्ग डेटिंग का भरपूर आनंद लेंगे और एंजॉय में आपका समय व्यतीत होगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में सभी सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रहेगी और मिला जुला कर कार्य करने में आपसी प्यार भी आप लोगों का बढ़ेगा। इसके उपरांत यह समय सेहत को लेकर बात करें तो काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अभी आपके लिए बहुत अच्छा है। काम के साथ साथ अगर आप आराम नहीं करते हैं तो आपके लिए मुसीबत हो सकता है, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। इस समय चोट लगने जैसी स्थिति आपकी बन रही है, इसलिए आप थोड़ा संभल कर कार्य करें, सतर्क होकर कार्य करें तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत यह समय गाड़ी वाहन का प्रयोग जो है वह थोड़ा संभल कर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों उपाय की अगर बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्नान के समय ओम बृहस्पति नमः का जाप भी करें और गुरु के भी प्रकार के दोष को दूर करने के लिए आप गुरुवार के दिन नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। इसके साथ ही साथ नहाते वक्त ओम नमः भागवते वसुदेवाय मंत्र का आप जाप जरूर करें, जो आपकी परेशानियां है वह आपकी दूर होने लगेगी।